अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए मैंने 4 कप बॉयल्ड चने लिए हैं, मतलब बॉयल करने के बाद मैंने इनको नापा है, तो ये 4 कप लिए हैं मैंने। अच्छा, इनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इसका पानी फेंक कर धोकर और फ्रेश पानी में मैंने इसको बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद मैंने इसको पानी जो है ये छान लिया, ड्रेन करके रख लिया। तो ये 4 कप के करीब पानी है। तो 4 कप बॉयल चिक पीज हैं और उसी का पानी है 4 कप, इसको फेंकना नहीं है। ये पपड़ी है जो कि हम लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और इसको बनाने का तरीका ये है कि मेरा एक वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने स्प्रिंग रोल और समोसे की शीट्स तैयार की हैं, और उस शीट्स का जो तरीका है वही है। आप पपड़ी उसी शीट्स को काट के इसको आप तल लें तो ये पपड़ी बन जाती है बहुत मज़े की। या आप जब उसको शीट्स बनाएं तो जो साइड से उसमें जो आप डिस्कार्ड कर देते हैं उसको आप तल लें तो ये पपड़ी बहुत अच्छी बन जाती है उसी से। उसके अलावा मैंने 1 कप बॉयल्ड आलू लिए हैं जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये भी क्यूब्स में कटे हुए हैं। 5 टेबलस्पून इमली का पल्प है, सिर्फ सादी इमली का पल्प है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ। 3 टेबलस्पून गुड़ है। अगर आपको गुड़ इस्तेमाल नहीं करना या आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून शक्कर डाल लें। 2 हरी मिर्च हैं जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है। 1/2 कप के करीब कोथमीर है जिसको बारीक काट लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, और 1 बड़ी प्याज है जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस किया हुआ है। और इसके अलावा ये कुछ मसाले हैं जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून फुल भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये मैंने दोनों चीज़ें 1/2 टीस्पून इसलिए ली हैं कि ये काफ़ी तेज़ हैं। आपको अगर अच्छा आप तेज़ खाते हो तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च डाल लें। 1 टीस्पून काला नमक है और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक है। और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया, और पैन में मैंने ये जो 4 कप पानी लिया था ड्रेन किया हुआ चनों का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी में मैं ये बॉईल किए हुए चने डाल रही हूँ, और ये जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हैं ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये जो गुड़ था ये गुड़ भी हम इसी में डालेंगे, इमली का पल्प, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके इसमें बॉईल आने देंगे, और उसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। तो अभी इसमें बॉईल आ जाए फिर मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए चनों को पकाऊंगी मैं। देखिए 5 मिनट हो गए और ये अच्छी तरह से मसालों के साथ पक गया है। ये जो मैंने कॉर्न स्टार्च लिया था इसको मैंने पानी में घोल लिया है, इसका घोल तैयार कर लिया, और अब हम ये इसमें मिलाएंगे। इसकी आप फ्लेम को फुल रखें, और ये हम स्लरी जो हमने बनाई थी इसको डाल के उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाए। अब हम इसमें ये टमाटर डाल रहे हैं, उबले हुए आलू, और ये प्याज इसमें से थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, मैं गार्निशिंग में ऊपर से डालूँगी, बाकी की प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ। ये कोथमीर और ये हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दें और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गए बिल्कुल, और ये देखिए इसकी ये जो ये काफ़ी गाढ़ापन आ गया ये कॉर्न स्टार्च मिलाने से, और बस अब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें, ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप थोड़ी सी सर्व करते वक्त ऊपर से थोड़ी सी प्याज डाल दें, और ये जो हमने पपड़ी रखी थी ये पपड़ी भी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है, इसको आप गरम गरम सर्व करें, इंजॉय करें, ज़रूर बना के देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।